म्यूचुअल फंड से जुड़ी ऐसी ही कई और अहम चीजों को समझने के लिए चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं किडेंस वेल्थ एडवाइजर्स के फाउंडर एंड सीईओ कीर्तन शाह जी। कीर्तन सर, धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी नाइन पर। संदीप जी, थैंक यू सो मच मुझे इन्वाइट करने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि किसी भी फंड को मैनेज करने में फंड मैनेजर अहम भूमिका निभाता है और फंड के प्रदर्शन के लिए सीधी जिम्मेदारी उस फंड मैनेजर की ही होती है। अब अगर किसी फंड का मैनेजर ही पद छोड़ देता है, या ऐसे में निवेशकों को फिर क्या करना चाहिए? क्या उन निवेशकों को उस फंड से बाहर निकल जाना चाहिए या फिर निवेश बनाए रखना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में निवेशकों की रणनीति क्या होनी चाहिए? संदीप जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो निवेशकों को समझना पड़ेगा कि फंड मैनेजर क्या करता है और उसके ना होने से क्या इम्पैक्ट आ सकता है। आई थिंक जब तक ये क्लैरिटी नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल है। तो पहले दो लाइनें इस चीज पर कि उन्हें समझे कि फंड मैनेजर करता क्या है। तो देखिए, किसी भी फंड हाउस में वो लोग एक प्रोसेस फॉलो करते हैं और उसी प्रोसेस के बेसिस पे फंड में निवेश होता है, इररिस्पेक्टिव कि उसमें फंड मैनेजर या सीआईओ डायरेक्टली इन्वॉल्व है या वो फंड मैनेजर अलग है या दो फंड मैनेजर्स इन्वॉल्व है। तो प्रोसेस क्या होता है? देखिए, फंड में बहुत सारे अलग अलग सेक्टर एनालिस्ट होते हैं। तो एक सेक्टर एनालिस्ट होगा जो फार्मा देखता है, दूसरा होगा जो बैंकिंग देखता है, तीसरा ऑटो देखता है, ऑयल एंड गैस वगैरह वगैरह। अब ये सब सेक्टर एनालिस्ट टिपिकली अपने एक या दो टॉप स्टॉक्स उस पर्टिकुलर सेक्टर में फंड मैनेजर को रेकमेंड करते हैं। तो फंड मैनेजर के पास तकरीबन 40-50 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो आ जाता है जो फंड मैनेजर जिसमें से 20-25-30 स्टॉक डिपेंडिंग ऑन फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है वो सिलेक्ट करता है। तो फंड मैनेजर लार्जली एक पोर्टफोलियो मैनेजर का रोल प्ले करता है। अच्छा। जिसका काम यह है कि वो दूसरे एनालिस्ट जिन्होंने टॉप सेक्टर फंड्स रेकमेंड किए हैं या टॉप सेक्टर स्टॉक्स रेकमेंड किए उसमें से एक पोर्टफोलियो बनाए, राइट? तो ऑफ कोर्स उसकी अहम भूमिका है पूरे फंड के प्रोसेस में, क्योंकि जो 25 स्टॉक सिलेक्ट होने वाले वो फाइनल डिसीजन को फंड मैनेजर खुद लेते हैं। अब मान लीजिए ये फंड मैनेजर चेंज हो जाता है, तो आपको क्या क्या चीजें देखनी है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको उसमें बने रहना चाहिए या बाहर निकल जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि उस फंड में क्या दूसरा कोई फंड मैनेजर था और वो कितने समय से था। अगर है और काफी समय से है तो शायद फंड में वॉलिटिलिटी बहुत कम होगी। जो नया फंड मैनेजर आएगा, क्या वो उसी तरीके की स्ट्रेटेजी प्ले करता है या यूज करता है? क्वाइट पॉसिबल है कि आपका जो एग्जिटिंग फंड मैनेजर है वो वैल्यू स्ट्रेटेजी इन्वेस्टिंग करता है और जो नया आता है वो ग्रोथ स्ट्रेटेजी इन्वेस्टिंग करता है। तो दोनों में काफी अंतर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके फंड का जो पुराना परफॉर्मेंस है उसे आपको निग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई मायना ही नहीं है फंड जी। और एक और चीज आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंटली देखनी है कि जो नया फंड मैनेजर आ रहा है क्या वो सेम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स में पहले निवेश करता था। ऐसा ना हो कि आपका एग्जिस्टिंग फंड मैनेजर लार्ज कैप देखता है, जो नया आ रहा है वो स्मॉल कैप में मास्टर है। तो शायद इन चीजों से बहुत फर्क पड़ जाएगा उस फंड के परफॉर्मेंस पे। तो मुझे लग रहा है ये 3-4 चीजें अगर आपको लगती है कि बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है जो फंड मैनेजर जा रहा है वर्सेस जो फंड मैनेजर आ रहा है, तो आपको कोई स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, वरना आपको डेफिनेटली उस फंड में बने रहना है या नहीं वो रिकंसिडर करना चाहिए। अच्छा सर, ठीक है, आपने वो चीज़ें तो बता दी कि क्या देखना चाहिए कि जो इनकमिंग फंड मैनेजर है वीजावी जो आपको आउटगोइंग फंड मैनेजर है उसके मुकाबले देखा जाए, तो दोनों की स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है, दोनों किस तरह से डिसीजन लेते हैं, क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, किन स्टॉक्स का चयन करते हैं। लेकिन सर थोड़ा, चूंकि म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर्स होते हैं, खासतौर पर जो रिटेल इन्वेस्टर, एक छोटा निवेशक जो होता है, उनको शायद ये जानकारी कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो थोड़ा इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं या नहीं जान पाते हैं। तो उस लिहाज से थोड़ा ये भी अगर गाइड कर पाएं कि ये जो जानकारी आप बात कर रहे हैं ये किस तरह से मिल सकती है, कहां पे मिल सकती है, कहां जाके वो पढ़ सकते हैं या इसका पता लगा सकते हैं? देखिए, बहुत सारे मीडिया आउटफिट्स ये बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर करते हैं। जैसे ये चैनल पे भी बहुत सारे डिस्कशंस इन चीजों के आजू बाजू होती है, वैसे बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स है। तो एक तो हो गया न्यूज वीडियो हो गया, या आपको एक रेगुलर न्यूज़लेटर जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वो एक तरीका है जिससे आपको पता चलेगा। पर बहुत सारी ऐसी दूसरी वेबसाइट्स है जहां पर आपको काफी डिटेलिंग
और जानकारी मिल सकती है, जैसे वैल्यू रिसर्च है, मॉर्निंग स्टार है, एडवाइजर खोज है, ऐसी बहुत सारी दूसरी बहुत स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वेबसाइट्स है जहां पर से आपको ये जो मैंने चीजें बताई उसके बारे में काफी जानकारी डेफिनेटली मिल सकती है। चलिए ठीक है सर, तो काफ़ी सारे ऐसे ऑथेंटिक सोर्सेस हैं जिसमें आप कुछ न्यूज़ बुलेटिन्स हैं, कुछ वीडियोस हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई इंडस्ट्री जो है उसकी खबरों के ऊपर या उसके जो अपडेट्स हैं उनके ऊपर आपको लगातार जानकारी या अपडेट्स देती है। तो वहाँ पर जाके आप ये जो सारे बदलावों की बात करी है एक फंड मैनेजर से के मुकाबले दूसरे में, ये सब जानकारियाँ आप वहाँ पे जाके नोट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप चाहें तो फिर उस फंड में आपको बने रहना है या नहीं बने रहना है ये डिसीजन आप ले सकते हैं। अच्छा कीर्तन सर, हमने हाल में एक एएमसी में फ्रंट रनिंग की वजह से फंड मैनेजर्स पर कार्रवाई होते देखी है, इसके अलावा दूसरी वजह से एक फंड हाउस को अपनी कई सारी जो स्कीम्स हैं वो बंद करनी पड़ी थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा ही कोई फंड जिसमें हमने पहले कुछ गड़बड़ियां देखी या कुछ ऐसी खबरें आती हुई देखी, अगर वो कोई न्यू फंड ऑफर यानी कोई एनएफओ लेकर आता है तो क्या निवेशकों को उस एनएफओ में निवेश करना चाहिए? क्या इस एनएफओ में निवेश करना सही होगा या कुछ समय इंतजार कर लें उस फंड के प्रदर्शन और फंड हाउस के जो डेवलपमेंट है उसको देख लें, उसके बाद ही अपनी जो निवेश की रणनीति है वो निवेशकों को बनानी चाहिए? क्या पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एक निवेशक की? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक है ही नहीं कि आपको एनएफओ में ही क्यों पैसा लगाना चाहिए। देखिए, बहुत सारे इतने फंड्स मार्केट में अलग-अलग एएमसीज के ऑलरेडी है जिसके पास 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की परफॉर्मेंस हिस्ट्री है। आप देख सकते हो कि मार्केट्स ऊपर जा रहे थे तब फंड्स ने कैसे परफॉर्म किया, नीचे जा रहे थे तब फंड्स ने कैसे परफॉर्म किया, रिस्क रिटर्न बेसिस पे फंड्स ने कैसे परफॉर्म किया है। तो अगर कोई नया एनएफओ आता है पर उस कैटेगरी में बहुत सारे ऑलरेडी फंड्स एग्जिस्टिंग है मार्केट में, तो मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता है कि आपको एनएफओ में क्यों पैसा लगाना चाहिए और जो एग्जिस्टिंग फंड्स है उसमें क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एनएफओ अगर कोई एक नई कैटेगरी में या कोई एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है जो एग्जिस्टिंगली अवेलेबल नहीं है, तो आप उस एनएफओ में पैसा निवेश करने का सोचिए, वरना तो एनएफओ में पैसा लगाने का मेरे हिसाब से कोई मतलब ही नहीं है। और देखिए, आज आपके पास 40 के ऊपर एएमसीज अवेलेबल है जहां पर आप फंड्स में पैसा निवेश कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी शक लग रहा है या कहीं पर भी आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको डेफिनेटली उस डायरेक्शन में जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले तो एनएफओ में लगाने का कोई लॉजिक नहीं है, और कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि शायद आप ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से, तो आपको डेफिनेटली उन फंड्स को, उन एएमसीज को डेफिनेटली चूज नहीं करना चाहिए निवेश के। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो रहा है जो नया न्यू फंड ऑफर आया है या कुछ ऐसा अलग आपके पोर्टफोलियो से आपको उस एनएफओ में दिखता है तभी आप उस एनएफओ में निवेश करिए, वरना आप उस एनएफओ को अवॉइड करें, ये आपके लिए बेहतर रणनीति हो सकती है। जब कोई भी नया फंड ऑफर या तो फिर कोई भी नया एनएफओ अगर आप देखते हैं कोई आता है तो उसके बाद आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अच्छा सर, मुझे आपसे ये भी जानना था कि जब कोई एक निवेशक किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की तैयारी कर रहा होता है या निवेश करने की शुरुआत करनी होती है तो उसमें उस निवेशक को लाल निशान यानी कि अगर हम ये कहें कि कुछ जो नेगेटिव संकेत हैं, कुछ जो गड़बड़ियां हैं उसका कैसे पता लगाना चाहिए? म्यूचुअल फंड निवेशकों को किन बातों पर गौर करना चाहिए जब वो किसी म्यूचुअल फंड के किसी एक एनएफओ में निवेश करने की सोच रहे होते हैं तो? देखिए, थोड़ा सा मेरे हिसाब से काफी ब्रॉड एज अ सब्जेक्ट है एनएफओ में। तो जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप पर्टिकुलरली एनएफओ की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है एक ही चीज आपको देखने की जरूरत है कि क्या ऐसा एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट में दूसरा अवेलेबल है या नहीं। अगर ऐसा कोई दूसरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो आप पहले उसे ज्यादा तवज्जो दीजिए वर्सेज अ न्यू एनएफओ। अगर एनएफओ आपको लग रहा है कि एग्जिस्टिंग कैटेगरी या कुछ नया नहीं है, तो उसको आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। पर मान लीजिए, अगर आप किसी एक एग्जिस्टिंग फंड की बात कर रहे हैं जिसमें आपको क्या देखना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन है, तो मैं दो तीन चीज डेफिनेटली हाईलाइट करना चाहूंगा। अगर आप डेट फंड्स की बात करें, तो ऐसे फंड में निवेश मत कीजिए जहां पर एयूएम बहुत छोटा है। ऐसे फंड्स में निवेश मत कीजिए जहां पर कैटेगरी चेंज हो रही है, तो पहले कुछ और था फंड, अब कुछ और हो गया है। और किसी भी एक एक डेट प्रोडक्ट में या एक कैटेगरी में बहुत सारा पैसा
अगर वो प्रोडक्ट या स्कीम निवेश कर रहा है तो उसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। वैसे ही ठीक अगर इक्विटी फंड्स की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है लार्ज एयूएम या एयूएम जब भी बढ़ जाता है तो उस स्कीम का परफॉर्मेंस गिर जाता है, तो ऐसे स्कीम्स आप अवॉइड कर सकते हैं। आप ऐसे स्कीम्स अवॉइड कीजिए जिसमें टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा है, क्योंकि फिर वो फंड मैनेजर बार बार खरीद रहा है बेच रहा है, उसे वो ज्यादा ट्रेडिंग कर रहा है निवेश इन्वेस्टमेंट की जगह पे, और शायद उनको अपनी या तो स्ट्रेटजी ही ट्रेडिंग है और इन्वेस्टमेंट नहीं है, या अगर स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा है तो शायद उन्हें अपनी स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये चार पांच चीजें आप डेफिनेटली देख सकते हैं जब आप एक एग्जिस्टिंग फंड की बात करें। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है कि आप किसी जब कोई नया एनएफओ में निवेश करते हैं, क्या उसी से मिलता जुलता कोई एग्जिस्टिंग ऐसा एनएफओ भी मौजूद है, तो उससे आप उसे कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। ये तो एक बात होगी। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग कोई एनएफओ चल रहा है, कोई यूनिट चल रहा है, उसमें आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसमें डेट और इक्विटी के लिहाज से देखा जाए तो कुछ अलग अलग बातें हैं जो कि हमें कीर्तन सर ने बताई हैं। डेट की जहाँ तक बात है, अगर छोटा एयूएम होता है उसका, तो उसमें आप निवेश ना करें। अगर कैटेगरी चेंज हो रही है उस फंड की, तो भी आपको निवेश से बचना चाहिए। और साथ ही वही एक जगह बहुत ज़्यादा जो डेट है वो ना निवेशित किया हो, इन ऐसे फंड से भी आपको बचना चाहिए। जहाँ तक इक्विटी की बात है, अगर आप किसी इक्विटी फंड में निवेश कर रहे हैं, कोई एग्जिस्टिंग है, अगर वहाँ पे एयूएम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो फ़र्क है पहले के मुकाबले आ जाता है। और साथ ही उसका जो टर्नओवर रेशियो क्या है, यानी कि कितनी जल्दी शेयरों को खरीदा बेचा जा रहा है, क्या ट्रेडिंग के हिसाब से वो शेयर लिए जा रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का जो मूल धार है वो यही है कि निवेश किया जाता है। तो अगर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उससे खर्चा बढ़ जाता है, और उस जो परफॉर्मेंस है उसका भी सही अंदाज़ा लगाना शायद मुश्किल पड़ जाता है। कीर्तन सर, मैंने सही समझा है जो आपने इक्विटी और डेट के बीच में जो आपने अंतर बताया हमें? एब्सोल्युटली लार्जली चलिए ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। अगली बात की ओर बढ़ते हैं। सर, डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश सही रहता है या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में? कोई निवेशक कैसे ये तय करे कि उसके लिए किस कैटेगरी का निवेश सही है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सबसे पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले कोई फंड चाहिए, तो उस तरीके से आपको बहुत आसानी से, मुझे ऐसा लग रहा है, बाइफरकेट करने में आसानी होगी कि अगर फिक्स डिपॉजिट के सामने अगर आपको निवेश करना है तो डेट म्यूचुअल फंड एक बेहतर तरीका हो सकता है। पर अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि डेट म्यूचुअल फंड्स या फिक्स डिपॉजिट इन्फ्लेशन के बीट नहीं कर पाता, तो मुझे ऐसे फंड में निवेश करना है जो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए पर बहुत ज्यादा रिस्क भी ना ले, तो आप शायद हाइब्रिड की तरफ मुड़ सकते हैं। आप हाइब्रिड की तरफ तब भी मुड़ सकते हैं जब आप प्रोबेबली इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं पर बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते इक्विटी में। तो ये आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर मैं सिंपल तरीके से ये कहना चाहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एफडी के मुकाबले निवेश करना चाहते हैं तो डेट कैटेगरी आपके लिए सही है, ठीक पर है, अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, वैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप इक्विटी सेविंग जैसे हाइब्रिड प्रोडक्ट में पैसा निवेश कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, आप इक्विटी मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं पर आपको लगता है कि शायद मार्केट अभी बहुत एक्सपेंसिव है और आज पूरा पैसा इक्विटी में लगाने से मतलब नहीं है, आप ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बैलेंस एडवांटेज फंड करके एक हाइब्रिड में कैटेगरी वो अच्छी है। तो आप एक बार पहले डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप चूज करेंगे कि आपको डेट या हाइब्रिड किस में और किस कैटेगरी में पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है जब आप निवेश की रणनीति बनाना शुरू करते हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको चयन में मदद करेगा कि आपको कौन सी कैटेगरी का फंड खरीदना है। कि आपको डेट फंड खरीदना है, हाइब्रिड फंड खरीदना है। डेट फंड आपको तब खरीदना है जब आप एफडी के विकल्प के तौर पे आप कुछ देख रहे हैं, तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। जब आप इक्विटी में या तो फिर इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, तो आपको इक्विटी एज अ इंस्ट्रूमेंट चुनना चाहिए। इक्विटी से लिंक जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनमें निवेश करना चाहिए। लेकिन आपको एक्सपोजर कम रखना, यानी कि जोखिम कम लेना है, तो इक्विटी का एक्सपोजर कम रखना है, तो उस लिहाज से आप चाहें तो फिर बैलेंस फंड जो है उसमें भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 70% के आसपास ही आपका इक्विटी का पोर्शन होता है और 30% के आसपास डेट का पोर्शन होता है। तो उस लिहाज से आपका जो जोखिम है वो कम हो जाता है। यानी कि जो बड़ी बात हमें कीर्तन सर बता रहे हैं वो यही है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो ज़रूरत है जब आप निवेश कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन क्या है, आपका निवेश का नज़रिया क्या है, आप रिटर्न किस तरह के चाहते हैं, जोखिम कितना ले सकते हैं, उसके बेसिस पे आप अपना जो फैसला है फंड के चयन का
वो आप करके चल सकते हैं। अच्छा सर, अगर हम मौजूदा सिचुएशन की बात करें, जो अभी करंट सिनेरियो है, जैसे कि फेड ने साफ किया है कि आगे ब्याज दरों में कमी की आगे महंगाई में कमी की उम्मीद है, और अगर महंगाई में कमी होगी तो जाहिर सी बात है फिर आगे शायद ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी है वो ज़्यादा ना देखने को मिले, और ब्याज दरों के जो का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं महंगाई के ऊपर ही निर्भर करेगा। तो ऐसे में शायद डेट से जो निवेश है वो निकल कर हो सकता है कि इक्विटी की ओर आता हुआ दिखे, या तो फिर डेट में निवेश कम हो जाए और इक्विटी की तरफ जो फ्लोज हैं वो शायद ज़्यादा आने शुरू हो जाए, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो इस केस में अगर कोई अपने पोर्टफोलियो में कोई बदलाव करना चाहता है या इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ाना चाहता है ऐसी सिचुएशन को देख के, क्या इस जंक्चर पे जो फिलहाल सिनेरियो है आप उसे सही मानेंगे? अगर हाँ तो फिर वो कैसे आगे बढ़ सकता है? देखिए, मुझे लार्जली सबसे पहले तो ये कहना है कि आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग मार्केट को टाइम नहीं कर पाते, तो आप और मैं शायद गलत हो जाएंगे हर बार टाइम करने के चक्कर में। आपको जब निवेश करें तो एसेट एलोकेशन फॉलो करना है। ठीक है तो अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर है और आपका एसेट एलोकेशन 80% इक्विटी और 20% डेट है, तो कोशिश कीजिए कि आप ये एसेट एलोकेशन कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहे। ठीक पर मान लीजिए कि आपको फिर भी थोड़ा सा एक टाइमिंग वाला फैक्टर ऐड करना है, नया पैसा है, क्या करना चाहिए, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 2022 में तो बहुत सारा मार्केट से, इक्विटी मार्केट से स्पेसिफिकली एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं होगा। देखिए, अभी भी जैसे आपने कहा, मेरी भी राय यही है कि शायद इन्फ्लेशन टॉप आउट हो रहा है, इंटरेस्ट रेट और दो फेड पॉलिसीज तक ऊपर जाएगा, पर क्वांटम जो पिछले कुछ टाइम से 75 बेसिस पॉइंट बढ़ रहा है वो क्वांटम कम हो जाएगा, 50 बेसिस पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद 25 हो जाएगा। ये लार्जली इक्विटी मार्केट्स के लिए पॉजिटिव सिनेरियो डेफिनेटली बनता है, पर देखिए ग्लोबली ग्रोथ रेट्स भी बहुत गिर चुके हैं, और जीडीपी एक्सपेंशन जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद वैसे नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट्स के ज्यादा नहीं बढ़ने से इकोनॉमी इमिजिएटली रिवाइव हो जाएगी। हाँ, थोड़ा सा एक पॉजिटिव माहौल रह सकता है मार्केट में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको नया पैसा निवेश करना है, 100 रुपए में से 25 रुपए आज आप डाल सकते हैं, और अगर मार्केट थोड़ा सा और गिरे तो थोड़ा सा और निवेश करने की कोशिश कीजिए। एक साथ लमसम पैसा मत डालिए, थोड़ा सा एक स्टैगर्ड अप्रोच इस मार्केट के लिए सही है। पर इस मार्केट में, ये वैल्यूएशंस में अगर आप मार्केट में आ रहे हैं, तो कम से कम 5 साल से ऊपर का व्यू लेके आए। ठीक है, तो कभी भी मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए, और कैसी भी सिचुएशन हो आपको अपना जो एसेट एलोकेशन है जो आपने डिसाइड किया है उसी के मुताबिक ही चलना चाहिए। जैसे कोई एक अग्रेसिव इन्वेस्टर होता है वो 80% इक्विटी लेके चलता है अपने पोर्टफोलियो में और 20% के आसपास डेट का पोर्शन रहता है, तो उस एसेट एलोकेशन को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। बाज़ार में कुछ सिचुएशंस बदलती रहेंगी, उतार चढ़ाव होता रहेगा, इक्विटी या डेट के जो इनफ्लोज हैं आउटफ्लोज हैं उसमें बदलाव होता रहेगा, लेकिन आपको अपना जो एसेट एलोकेशन है उसी को फॉलो करना है। और कम से कम जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए उतरते हैं तो 5 साल के आसपास का आपको होराइजन, जो आपका निवेश का नज़रिया है, वो लेके चलना है।